बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर खींचतान चल रही है। इस बीच दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस से बिहार बीजेपी के नेता मंगल पांडे और सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है। मंगल पांडे से पशुपति कुमार पारस की करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। इस दौरान पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी प्रतिनिधि के सामने अपनी बात रखी। वहीं पशुपति कुमार पारस से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की भी मुलाकात हुई। बाद में मंगल पांडे और सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के संजय झा की आपस में बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि ये कवायद एक दो दिन में सीट शेयरिंग का मामला तय करने को लेकर है। दरअसल बिहार एनडीए में हाजीपुर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट मांग रहे हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने दोनों खेमे को एक हो जाने की सलाह दी थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार दोनों खेमा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस ने बीजेपी को यह साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो दिल्ली में मंगल पांडे और पशुपति पारस की मुलाकात में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे। आरएलजेपी नेता संजय सर्राफ का कहना है कि जिन 5 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी के सिटिंग सांसद हैं, उन 5 सीटों पर आरएलजेपी का दावा है। हटने की बात ही नहीं है, जो जहां से सिटिंग है वो वहीं से लड़ेगा। हमारे 5 एमपी जहां से सिटिंग है वो वहीं से लड़ेंगे, क्योंकि वो 5 एमपी पशुपति पारस जी के साथ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, तो इसमें कोई सेकंड थॉट थर्ड थॉट है ही नहीं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी तक नहीं सुलझा है। एलजेपी के दोनों धड़ों के बीच भी मामला उलझा हुआ है। दूसरे छोटे दल भी अपनी मांग रख रहे हैं, जबकि महागठबंधन की भी बिहार में अब तक स्थिति साफ नहीं है। हालांकि महागठबंधन की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए से पहले उनका मामला सार्वजनिक हो जाएगा। कोई समस्या नहीं हो रही है, बस एक दो दिन में सारी चीज़ें आपको को साझा कर दी जाएगी। साझा करने का मतलब है कि बातचीत चल रही है और बड़ी आसानी से सारी चीज़ सुलझ जाएंगी। बिहार बीजेपी के सारे शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में हैं, बैठक चल रही है, बैठकों का दौर जारी है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं दिल्ली में और बिहार बीजेपी के, सभी लोगों से एकदम अच्छे माहौल में, बहुत सुंदर माहौल में बातचीत चल रही है और बड़ी आसानी से चीज़ें सुलझ जाएंगी। तो पहले ही बताया रजनीश जी, ऑल इज वेल है, कहीं से सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं है। नेताओं की बातचीत हो रही है, एनडीए की बैठक चल रही है। एनडीए की बैठक में शीर्ष नेतृत्व हमारी पार्टी से हो या जदयू से हो या अन्य जो हमारे अलायंस के हिस्सा हैं, सभी के बीच में बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, एक सभी के बीच में संपर्क है और ये सही समय पर इसका फैसला आ जाएगा और सबको आपको भी जानकारी हो जाएगी। एनडीए में क्या हो रहा है वो विषय मेरा नहीं है, बाबत भी इतना जरूर कहेंगे कि एनडीए में जो उत्तम प्रचार की स्थिति है, महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रही है। हम एनडीए से पहले अपने सीटों का बंटवारा कर लेंगे। हमको जन विश्वास प्राप्त है जनता का, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व सभी सीटों के बंटवारे पर गहन बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अति शीघ्र यह तय हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन के कौन से साथी कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे और कौन कौन सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन एनडीए से तो पूछिए कि एनडीए के तो 39 सीटें हैं और एक सीट मात्र बंटवारा करना है, अब तक क्यों नहीं तय हो रहा है। और इंडिया गठबंधन में तो मात्र एक सीटें हैं, हमें 39 सीटें बांटना है,
कई दल हमारे इसमें है, तब भी हम बहुत जल्द कर रहे हैं। और बड़ी खबर कर